हेलो आंटी जी। वाह आंटी जी, सासू माँ, मम्मी जी, कम से कम ऐसा बोल देती। अब पैरी पोना तो तू करने से रही बहुरानी। मैं तो अस्पताल में पड़ी हूँ। लेकिन तुम तो मिलने आने से रही ना। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि पूजा के साथ इस फैशन शो में वो। हाँ हाँ जानती हूँ। सबके सामने पूजा के कपड़े। यश ने मुझे सब बताया। सब बात शेयर करता है वो मेरे साथ। तू चाहे कितनी भी कोशिश करके देख ले, लेकिन मेरा यश कभी मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। आएगा ना उस दिन फैशन शो छोड़ के मेरे पास। ये सब आप क्यों मुझे बता रहे आंटी? तो किससे कहने जाऊंगी? छीना तो तूने ही है ना मेरे बेटे को मुझसे। लेकिन एक बात याद रखना, तू चाहे कितने भी डोरे डाल के उसे बांधने की कोशिश कर, लेकिन मेरा बेटा तेरा पल्लू झटक कर मेरे पास दौड़ा चलाएगा। सिस्टर, ओह गॉड, ये औरत भी ना। जस्ट 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 काम डाउन निशी, ये ड्रामा करने का वक्त नहीं है। काम डाउन, डिसअपीयर। वाई के, मुझे अभी इसी वक्त जवाब चाहिए। पूजा का इतना बड़ा दिन था, उसने इतनी मेहनत की, इतने सारे प्रेपरेशंस किए, हाँ, और तुम वहां उसके लिए थे ही नहीं। क्यों? तुमने पूजा के साथ ऐसे क्यों किया? निशी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करता? अरे मॉम सीरियस थी, और वैसे भी मैं रोहित और बड़ी मम्मा को बता कर गया था। अरे वो हॉस्पिटल में थी ना, तो डॉक्टर्स थे ना आजू बाजू उसकी देखभाल करने के लिए। थोड़ी देर के बाद चले जाते तो क्या होता? हमेशा माँ माँ माँ, हाँ हमेशा वो ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने इतने सारे कॉल्स किए, मैसेजेस छोड़े, लेकिन एक भी बार तुमने फोन नहीं उठाया, एक मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। क्यों भाई के? ऐसा नहीं है निशी। ऑफ कोर्स, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जब हम लोग घर पर वापस आ गए थे, और फिर दिखावा ऐसा किया जैसे कि तुमने सब कुछ अकेले हैंडल किया। दिखावा? मेरी की हुई फिक्र तुम्हें दिखावा लगती है? चलो एहसास तो है अपनी बेटी का, हाँ? लेकिन अगर सच में खुद को उसका पिता मानते ना, तो कल रात तुम उसके साथ वहां पे होते। इनफ निशिया, इनफ। सारी हदें पार कर रही हो तुम। अरे कल रात में पीछे के दरवाजे से अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं गया था। मेरी मॉम सीरियस थी, अपेंडिक्स फट गया था उनका। तुम तो डॉक्टर हो ना, यू नो कि ये कितना सीरियस मामला होता है। पूजा के साथ तुम सब लोग थे वहां पे उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी मॉम वो अकेली थी। ओ प्लीज, ये सारे बेकार के बहाने हैं, और वैसे भी आए दिन तुम्हारी माँ को इतनी सारी तकलीफें हो रही है कि अच्छा होता कि कल। शट अप, शट अप निशी। वो मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ से मिलने एक बार नहीं हजार बार जाऊंगा। और किस बात पे तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा हो रही हो कि मैं पूजा के लिए वहां नहीं था? अगर मेरी माँ को तुम अपनी माँ नहीं समझती हो, तो तुम ये क्यों भूल जाती हो कि पूजा भी मेरी बेटी नहीं है? भूल रही हो क्या? हाई है मिसेस सेन का। मिनी प्रेस एक्सेल की एक डोज दो और मॉनिटर करते रहो। ओके। पोटेशियम भी चेक करो क्योंकि सर वो डॉक्टर हिंगोरानी आपस से मिलने आए। हाँ, उन्हें लाउंज में वेट करो। ओके। मॉम ठीक है ना आपकी?
माँ ठीक है, लेकिन निशी के साथ झगड़ा। भाई के यार, हम निशी बुआ को जानते हैं ना, कम ऑन ठीक हो जाएगा सब, डोंट वरी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या कह दिया, इतना क्यों अपसेट हो रहे हो? मैंने गुस्से में बोलती है। क्या क्या बोलती है? पूजा मेरी बेटी नहीं है। पूजा आपकी बेटी नहीं है? हाँ भाई के, पूजा बेटी नहीं है आपकी? कैसे कहा आपने ऐसा? How dare you? क्यों कहा आपने ऐसा? क्यों? अपनी बुआ से क्यों नहीं पूछ लेते तुम? हाँ, पूजा के साथ जो कुछ भी हो, इतना बड़ा हादसा हो गया, उसका दर्द मुझे भी है। मुझे होना चाहिए था अपनी बच्ची के लिए वहां पे। लेकिन मेरी माँ वो सीरियस थी। अगर अपनी माँ को देखने चला गया तो क्या गलत कर दिया मैंने? कुछ गलत नहीं किया। आपकी माँ को देखना गलती नहीं थी, लेकिन निशी बुआ को ये बोलना डेफिनेटली आपकी गलती थी। पूजा आपकी बेटी नहीं है। जब मुझे ये बात पता चली थी ना, तब मैं भी बिखर गया था। लेकिन आज तक अपनी जुबान पे ये बात आने नहीं दी मैंने। भाई के घर में भी इस बारे में कोई बात नहीं करता। पूजा को इस बात की कोई खबर नहीं। और आप, इट्स नॉट डन। रोहित, I'm sorry। मेरा यकीन मान, गलती से मुंह से निकल गया। पता नहीं है, जब से ये फैशन शो का हादसा हुआ है, तब से सब कुछ बिखर जा रहा है। हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ये सब कुछ उस सोनाक्षी और उसकी फैमिली का किया धरा है। आप देखिए, उसको सबक सिखाने का तरीका ढूंढ लिया है मैंने।